हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणपति मूर्तियों के व्यापारियों पर कोरोना की मार, मूर्तिकारों की मजदूरी निकलना भी हुआ मुश्किल। शहर में इस बार गणपति त्योहार को लेकर मार्केट में बिकने आए गणपति की मूर्तिकारों पर पूरी तरह से मायूसी नजर आ रही है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार व प्रशासन ने कोरोना के साथ साथ में दोहरी मार दी है। जहां पर अगर सरकार और प्रशासन द्वारा 2-3 महीने पहले ये आगाह किया होता तो हम इतनी सारी मूर्तियां नहीं बनाते, क्योंकि हमें एन वक्त पर निर्देश दिया कि गणपति कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए मूर्तियों की मजदूरी भी निकालना इस बार हमारे लिए संकट छा गया है, क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष लोगों में भी गणपति को लेकर उत्साह नजर नहीं आ रहा, एवं जगह जगह पर लगे गणपति स्टॉल पर भी अभी गणपति मूर्ति खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जगह जगह पर लगे गणपति मूर्ति के स्टॉल ऑफर प्रशासन की उदासीनता नजर आ रही है, जहां पर खरीदार व बेचान करता किसी भी प्रकार का कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे, जहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है ना ही मुंह पर मास्क नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सुमेरपुर प्रशासन भी इस महामारी को अभी हल्के में लेना शुरू कर दिया है। जागरूक टीवी से बात करते हुए जगदीश प्रजापत मूर्तिकार, इन्होंने ये कहा। बिल्कुल सर, ये सारी की सारी यहीं पे तैयार होती है, कम से कम 4-5 महीने हम लोग पहले इसकी तैयारी में लगते हैं और उसके बाद में हम लोग ये सारा कर पाते हैं। इसमें 100% इको फ्रेंडली मूर्तियाँ है हमारे पास में, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। इवन तक इसमें कलर तक हम लोग नहीं करते, कलर की जगह हम लोग इसमें डायमंड यूज़ करते हैं और कुछ स्पेशल लोगों के लिए जो जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो हम लोग को ड्राई फ्रूट्स की बना के देते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो अनाज होता है उसकी बना के देते हैं, जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम लोग बना के देते हैं। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।